लइका हो जय जोहार। लइका हो तुमन कहाँ रही थो? हाँ, तुमन घर में रही थो। जैसे तुमन घर में रही थो वैसने सब्बो परानी चिरई चिरगुन मन की घलो रेह के ठिया रही थे। जैसे मंगर हा पानी में रही थे, हाथी हा जंगल में रही थे, साफ हा बिला में रही थे, ऐसने किसिम किसिम के जीव के रेहे के ठिकाना किसिम किसिम के रही थे। तलैका हो पाठ तीन मुसवा रही थे जी, ये कविता माँ किसिम किसिम के जीव के रेहे के ठिकाना बताए गए है। त पहली मैं हाँ ये कविता ला पढ़ूँ, तू मन संग में पढ़ो। कौआ रही थे खोंदरा माँ और बिला माँ मुसवा रही थे जी। लइका हो तू मन संग में गावो। कौआ रही थे खोंदरा माँ और बिला माँ मुसवा रही थे जी। कोल्हिया रही थे खेत खार माँ पानी माँ केचुआ रही थे जी। कोल्हिया रही थे खेत खार माँ पानी माँ केचुआ रही थे जी। चाटी रेंग गए भुया माँ औ मछरी तौर पानी माँ। चाटी रेंग गए भुया माँ औ मछरी तौर पानी माँ। मिचका रही थे दोनों जगह माँ कोठा मगरुआ रही थे जी। मिचका रही थे दोनों जगह माँ कोठा मगरुआ रही थे जी। कुकुर रही थे खोर गली माँ मिठू रुख राई मजी। कुकुर रही थे खोर गली माँ मिठू रुख राई मजी। रेरा चिरई के खोंदरा सुघर माटी मगेंगरुआ रही थे जी। रेरा चिरई के खोंदरा सुघर माटी मगेंगरुआ रही थे जी। केकरा घलो बिलामा रही थे खुसरा रही थे खोंडरा माँ। केकरा घलो बिलामा रही थे खुसरा रही थे खोंडरा माँ। भैंसी रही थे भैंस स्थान माँ कोठा माँ पड़वा रही थे जी। भैंसी रही थे भैंस स्थान माँ कोठा माँ पड़वा रही थे जी। हाथी रही थे बन जंगल माँ बेंदरा डारा खांधा माँ। हाथी रही थे बन जंगल माँ बेंदरा डारा खांधा माँ। हवा माँ किंजरत रही थे फाफा माड़ा माँ बघवा रही थे जी। हवा माँ किंजरत रही थे फाफा माड़ा माँ बघवा रही थे जी। त लइका हो कैसी लागिस तुम्हाला ये कविता हा? अब मेहा तुम्हाला एकर अर्थला बताहूँ। कौआ रही थे खोंदरा माँ औ बिला माँ मुसवा रही थे जी। कोल्हिया रही थे खेत खार माँ पानी माँ केचुआ रही थे जी। त लइका हो कौआ हाँ खोंदरा माँ रही थे औ खोंदरा के अर्थ हिंदी में होते घोसला। औ मुसवा हा बिला माँ रही थे औ कोल्हिया हा खेत खार माँ। लइका हो कोल्हिया के हिंदी में मतलब हरे सियार औ केचुआ हा पानी माँ रही थे। केचुआ के हिंदी में अर्थ आय कछुआ। कछुआ के बारे में जानता हो तुमन? कछुआ हा समुन्दर में रही थे नदिया में मिलते। और लइका हो कई ठन केचुआ के उम्र 100 साल रही थे। चाटी रेंग भुइया माँ औ मछरी तौर पानी माँ। मेचका रही थे दोनों जगह माँ और कोठा माँ गरुआ रही थे जी। लइका हो चाटी हा भुइया माँ रेंग थे। भुइया के हिंदी में मतलब होते भूमि जमीन धरती। और मछरी हा पानी में तौर थे। मेचका हा पानी और जमीन दोनों जगह रही थे। मेचका के अर्थ का हरे हिंदी माँ मेचका ला कही थे मेंढक। और गरवा रही थे कोठा माँ। कोठा काला कही थे जिहा गाय गरवा मल्ला बांधे जाते। और गरवा के अर्थ का हरे हिंदी माँ गैया और बैला। कुकुर रही थे खोर गली माँ मिठू रुख राई माँ जी। रेरा चिरई के खोंदरा सुघर माटी माँ गेंगरुआ रही थे जी। लइका हो कुकुर ला तुमन कहाँ देखता हो? खोर और गली माँ है ना। खोर मतलब
बाहिर मा कुकुर हा खोर अउ गली मा रहिथे, अउ कुकुर ला हिंदी में का कहिथे? कुत्ता। अउ मिठू हा रुख राई मा रहिथे, रुख राई के अर्थ हरे पेड़। अउ रेरा चिरई के खोंधरा हा बड़ सुघर दिखथे, खोंधरा के अर्थ का हरे? खोंधरा के हिंदी में अर्थ हरे घोसला। अउ चिरई के मतलब हरे चिड़िया। अउ गेंगरुआ हा माटी मा रहिथे, अउ गेंगरुआ ला हिंदी में का कहिथे? केचुआ। केकरा घलो बिला मा रहिथे, खुसरा रहिथे खोंडरा मा, भैंसी रहिथे भैंस स्थान मा, कोठा मा पड़वा रहिथे। जी लइका हो, केकरा हा बिला मा रहिथे, केकरा के हिंदी में मतलब हरे केकड़ा। अउ खुसरा जेला हिंदी में सुअर कहिथे, तेन हा खोड़रा मा रहिथे, खोड़रा के हिंदी में अर्थ आय खोलखा गड्ढा। लइका हो, भैंस मन ला भैंस स्थान मा रखथे, उहां जहां भैंसी मन ला बांधथे। अउ कोठा मा पड़वा रहिथे, पड़वा मतलब भैंसी के पिला। हाथी रहिथे बन जंगल मा, बेंद्रा डारा खांधा मा, हवा में किंजरत रहिथे फाफा, माड़ा मा बगवा रहिथे। जी लइका हो, हाथी हा कहां रहिथे? जंगल मा। आउ बेंद्रा हा रुख राई मा रहिथे, रुख राई के डारा मा मतलब पेड़ के डारा मन में कूदत फांदत रहिथे। आउ डारा खांदा के का मतलब हरे? पेड़ के शाखा। आउ फाफा हा हवा में किंजरत रहिथे, किंजरना मतलब घूमना। आउ बघवा हा माड़ा मा रहिथे, माड़ा मतलब हिंदी मा का कहिथे माड़ा ला? गुफा। त लइका हो, कैसे लागिस तुमन ला ये पाठ हा? आउ ये पाठ ले हमन का जानेन? हमन जानेन कि पशु चिरई चिरगुन जिनावर मन ह कहाँ कहाँ रहिथे, अउ ओखर रहे के जगह के बारे में जानेन। लइका हो, त अब हमन ये पाठ के अभ्यास कार्य ल करबो। प्रश्न पहला हरे, कौआ कहाँ रहिथे? लइका हो, एखर उत्तर हरे, कौआ हा खोंधरा मा रहिथे, खोंधरा ला हिंदी मा का कहिथे? घोसला। प्रश्न दूसरा हरे, बिला मा कौन कौन रहिथे? बताओ एखर का उत्तर होही? बिल्कुल सही, एखर उत्तर आए, बिला मा मुसवा सांप अउ केकरा रहिथे। अगला प्रश्न हरे, कौन जीव हा पानी अउ भुइया दोनों जगह मा रहिथे? एखर उत्तर का होही? बिल्कुल सही, मेचका हा पानी अउ भुइया दोनों जगह मा रहिथे। अगला प्रश्न हरे लइका हो, जोड़ी मिलावा, खंड आ अउ ब मा शब्द लिखे हावय, ओखर सही जोड़ी मिलाना है। त खंड आ में का का लिखे है? पिंजरा कोठा माड़ा पानी अउ बिला। अउ खंड ब मा बघवा मछरी केकरा मिठू अउ गरवा। लइका हो, अब हमन एखर सही जोड़ी बनाबो। त पिंजरा के जोड़ी का बनही? बिल्कुल सही, मिठू। काबर पिंजरा मा मिठू रहिथे, अउ कोठा मा कौन रहिथे? गरुआ। त कोठा के सही जोड़ी बनही गरुआ। अउ माड़ा मा कौन रहिथे लइका हो, बतावो? बिल्कुल सही, बघवा हा माड़ा मा रहिथे, तो माड़ा के सही जोड़ी होही बघवा। अगला शब्द हरे पानी, अउ पानी के सही जोड़ी का बनही? पानी मा कौन तौड़थे? मछली हा। बिल्कुल सही, तो पानी के सही जोड़ी बनही मछली। अउ आखिरी शब्द हरे बिला, अब बिला मा कौन रहिथे? केकरा। तब बिला के सही जोड़ी बनही केकरा। लइका हो, अगला प्रश्न हरे, खाली जगह मा सही शब्द छाट के लिखो। क मछली हा खाली स्थान, का होही? मछली हा का करथे? उड़थे अउ तौड़थे देहे, त मछली हा तौड़थे, एकर सही उत्तर आए। वैसने चाटी हा का करथे? रेंगथे कि दौड़थे? बिल्कुल सही, चाटी हा रेंगथे। अउ मिठू हा का करथे? उड़थे कि भूखथे? मिठू हा उड़थे। अउ आखरी केकरा हा दौड़थे या फिर रेंगथे? का करथे? केकरा हा रेंगथे। लइका हो, अगला प्रश्न हरे, खाले मा लिखाए वाक्य मन ला हिंदी मा लिखाओ। क रेरा चिरई के खोंधरा सुघर होते, एकर हिंदी में का होही? एकर हिंदी मा वाक्य होही,
बया चिड़िया का घोंसला सुंदर होता है। ख फाफा हवा में किंजरत रही थी। एकर हिंदी में वाक्य का हो ही चिड्डा हवा में घूमता रहता है। ग केकरा घलो बिला मा रही थी। एकर हिंदी में का हो ही केकड़ा भी बिल में रहता है। और आखिरी हरे मछली पानी में तौड़ते, एला हिंदी में कैसे बोलबो? मछली पानी में तैरती है। लइका हो, ये तो हो गया अभ्यास कार्य। अब मैं तुम्हाला गृह कार्य दूं। गृह कार्य के पहला प्रश्न हरे पानी में रहैया जीव जंतु के नाव लिखो। दूसरा मछली, मेचका, कौवा और मिट्ठू के चित्र बनावो। अगला हरे चिड़ई मन के खोंदरा के बारे में लिखो। और आखिरी हरे मनखे मन कहाँ रहे थे ओखर बारे में लिखो। तलैका हो आज ही तक, अगले कक्षा में फिर मिलबो। जय जोहार।